सुबह के बज रहे हैं 8 और आज देहरादून का सहर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा। सुबह ही धूप निकल गई है तो काम करने का भी मन बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, नहीं तो ठंड में काम करने का मन जल्दी से करता नहीं है। तो मैं कर रही हूँ आज इंडोर गार्डन की सफाई। इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा पाले से जल रहे थे तो मैंने पानी का इसमें छिड़काव किया है, धुलाई करी है अच्छे से और मैंने मैट वगैरह सब हटा दी है क्योंकि वहाँ पर नमी रहती है, धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। और इधर राजा का घर उठा के मैंने धूप में रख दिया है क्योंकि उसको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें भी नमी हो जाती है, तो इसकी सारी साफ़ सफाई करी है ताकि ये अच्छे से रहे। राजा देख रहा है मेरा घर उठा के कहाँ ले गए भाई, ढूंढ रहा है घर को। घर मैंने इसका धूप में बाहर रख दिया है और अंदर की तो साफ़ सफाई हो गई है, बाहर की रह गई थी। तो यहाँ पर डेली करनी पड़ती है मुझे साफ़ सफाई क्योंकि लूसी भी रहती है, राजा भी रहता है, तो ये बाथरूम वगैरह कर देते हैं तो स्मेल ना हो, इस वजह से मैं सफाई कर देती हूँ। और नीचे की तो अच्छे से साफ सफाई कर दिया, अब मैं आ गई हूँ ऊपर। जो लूसी के कपड़े, राजा के कपड़े, इनको डेली मैं जो धूप में सुखाती हूँ तो मैं ये डाल रही हूँ ताकि इसमें कोई स्मेल ना रहे। जब हम इनको रखते हैं ना तो इनकी साफ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इसके बाद मैंने दिया है अपने पौधों में पानी, जो मैं एक दिन छोड़कर एक दिन दे रही हूँ और बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। सर्दियों में भी पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ऐसा लगता है कि पानी नहीं देना चाहिए लेकिन पानी देने से पाले का असर कम होता है और पौधे हमारे अच्छे तरीके से रहते हैं। बस ध्यान रखें कि थोड़ा कम पानी दें, तो सभी पौधों में दे रही हूँ मैं। इसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। नीचे करनी थी कपड़ों की धुलाई तो मैं सारे कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ, और मुझे करनी थी पर्दों की धुलाई, बेडशीट, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो इनको मैं फटाफट से डाल देती हूँ। और अभी तक मुझे पता नहीं है कि मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, तो इसके बाद जाऊँगी मैं, देखूँगी वो क्या कर रहे हैं, कपड़े इसमें चलते रहेंगे। तो हस्बैंड को देखा कि वो किचन में है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिर से आपका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है और उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज आप हमें देख रहे हैं किचन में, और आज ना हमारे पतिदेव जी कर रहे हैं काम। ये बोल रहे हैं आज मैं बनाऊंगा दम आलू, तो सुबह से ही तैयारियां इन्होंने शुरू कर दी है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज सबके साथ शेयर किया जाएगा आलू दम। दम आलू दम आलू बहुत ज्यादा टेस्टी बनाते हैं ये। ठीक है, थैंक यू है सब्जी बनाने के लिए। अब मैं ना चाय बना लेती हूँ क्योंकि सारे काम तो आपने देख लिए, और फटाफट से चाय पीती हूँ, चाय पी बिना नहीं रहता। जल्दी से ये नहा लिया, मैं नहाई भी हूँ तो इस वजह से ये करेंगे सारे काम। चिंता मत करो, ठीक है? छोड़ दो। कपड़े पहन लो ना, कपड़े नहीं पहनते फिर आप ऐसे। हीरो हीरो सुनो तो, हीरो बन के रहते हीरो। अरे नहीं यार, मैं कुछ जैकेट तूने उसमें डाल दी ना। इसके बाद मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और जो कपड़े मैंने धुले थे उनको निकाल लिए हैं और आई हूँ धूप में सुखाने के लिए। और हस्बैंड ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि किचन में आना ही नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है आप ही कर लो। तो सारे कपड़े सुखा देती हूँ, आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो कपड़े फैलाने की जगह भी नहीं है, तो ढूंढ रही हूँ मैं कहाँ कहाँ फैलाऊँ। तो कुछ मैंने पेड़ के ऊपर डाल दिए, कुछ मतलब ऐसे ही फैला रही हूँ इधर उधर,
ताकि ये बस सूख जाएं। और इधर हो गई है फेरी की मस्ती चालू, वो बिल्कुल कपड़े फैलाने ही नहीं दे रही है, खींच रही है कपड़ों को, कह रही मैं फैलाऊंगी। मैंने कहा चल तू ही फैला ले। सारा काम निपटा के मैं ऊपर से नीचे आ गई, उनको देखा क्या ये रोटी भी बना रहे हैं। आज रोटी रोटी सब्जी और चावल सारा निपटा दिया भाई आज तो। तैयार। क्या बात है, सब्जी ये देखो जी हमारे पति देव ने बनाई है। मैंने पहले ही बताया था ना इनको सारा काम आता है, तो रोटी तो मैं ही बना लेती। तो कोई बात नहीं, जब तक आपका भी तो काम खत्म हो गया। देखो कितनी बढ़िया रोटी बनाते हैं ये, देख लो। देख लो। देख रहे सबने देख ली। मैं देखू हो गया काम बस 2-3 में। मैं ना राजा और फेरिया को दे देती हूँ। उनको तो थैंक यू है, जप्पी तो बनती है, जप्पी जप्पी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, लो फोड़ोगी? बोली बोली रोटी। अरे खाओ गर्मा गर्म, गर्मा गर्म खाना, गर्मा गर्म खाना यार, नहीं तो मैं काम में ना देर हो जाती हूँ। कोई तो। बात नहीं, हूँ आज फेरी दाशी की मैंने आज फेरी दाल। भगवान ऐसा पति सबको दे। रोज बनाती है, इसलिए मैंने बना दिया तो क्या हुआ? आप हमेशा काम करवाते हो, सबको पता है। रोज ही करवाते हैं ये काम, बस रोटी रोटी नहीं बनाते। आज रोटी भी बना दूं, मेरा दिल ना बाग बाग, देखो ना इधर देखो बाग बाग हो गया। और इधर देखो फेरी बैठी हुई इंतजार में। देव फटाफट से देते उनको खाना। ले आए हैं छत पर आज पति देव के द्वारा बनाया गया खाना, और ना सिरके वाले प्याज, रेस्टोरेंट स्टाइल, वाह वाह मजा आ गया भाई। और मैं जैसे ये बताते ना टेस्ट करके, आज ना मैं बताऊंगी सब्जी सब्जी मस्त सच्ची। और इन्हें पता है चावल खाती है ना, तो इन्होंने चावल भी बनाए हैं। बच्चे आओ अपनी खाना खाओ, इधर इधर खा लेते हैं फटाफट से खाना। आओ इधर आओ खाना। और इधर रखा है फेरिया का, चलो और ये खा नहीं रही है। राजा को तो क्या, राजा को, राजा के नाम से देखना कैसे खाती है। चलो और राजा ने भी खा लिया, राजा को ऊपर ला रहे तो उसे धूप बर्दाश्त हो रही, तो वो नीचे है। करो श्री गणेश खाओ आप खाओ। तो खाना पीना तो हमारा हो गया है, राजा भी ऊपर आ गया है और यहाँ लाड़ चल रहा है, लाडू लाडू चल रहा है। इसके आंसू क्यों आते हैं, सर्दी की मारते हो है, इसके ज्यादा आ रहे हैं आजकल आंसू। ये देखो उसे लड़ने के लिए तैयार हो गई, हट बगल चिढ़ रही है। आ जा बच्चे तू मेरे पास आ जा, आ जा आ जा मेरे पास आ जा, आ जा आ जा आ जा। हाँ राजा देख लो, बस 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 बस, ये क्या है फिर, ये देखो। अच्छा चल, अच्छा छोड़ रहे छोड़ दे, बस बस बेटा उठ जा तू। ऐसे कौन लड़ाई करता है, कैसे ना छेड़ो इसे ना लड़ करो। राजा आजा बच्चे आजा, देखो खुशी खुशी ना मना है, ठीक है लड़ना बिल्कुल नहीं है दोनों को। आई मेरा बच्चा किसने मारा, बस ने मारा, छोड़ दे। ये देख ये लड़ने के लिए तैयार रहती है 24 घंटे, वो कहाँ घुसा जा रहा है। आय मेरा राजा बेटा, ये मेरी गंदी बच्ची भाग यहाँ से। कैसे बीतती है इसको, पैर भी मुंह भी, यहाँ से आ गई हमला करने, यहाँ से आ गई। ये क्या चल रहा है तेरा, चल बैठ जा बैठ जा बैठ जा, अच्छा बैठ जा बैठ जा, बैठो बच्चे बैठ जा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बस ओहो जय हो महारानी। राजा तो खुजाते खुजाते गया सो, देखा ये सो गए, ओहो लाड़ लाड़ में सो गया भाई। ऐसे लगता है प्यार का भूखा है ये बहुत। सभी होते हैं। चल डिस्टर्ब कर दिया मैंने। आ लिए तुमने? तो छत से आ गए हैं हम नीचे, और आ गया है आकाश, और आकाश को करवा रहे हैं गाजर का हलवा। हेलो, बहुत टेस्टी बना रहा। पहले ये लेके आया था, इसने भी बनाया था चूल्हे पे, और ये भुक्कड़ एक बैठी हुई है, अपना खा लिया, मेरा देख खा लो लिया। देख कैसे मांग रही है गाजर का हलवा, भी खा लिया, खाएगी देखी तो सारा है। देख लो कैसे मांग रही, देख देख इसको खाएगी ना ज्यादा।
ये तो देखो मतलब चखा दे चखा दे चखा दे, ज्यादा देना नहीं चाहिए, चखा दे चल, वो इतना मीठा नहीं खाते हैं वैसे भी ना। अबे रुक जा, दे 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 दे, जरा सा दियो तो ज्यादा है। हाँ जरा सा दूंगा, ज्यादा है, गरम भी है। ये चम्मच में रख, चम्मच में जरा सा देख दूंगा, देख लो देख लो ये। अब अपना खा के फिर मांगेगी नहीं तो। अभी देखना शांत रहना, बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल देखना अभी अभी जाएगी फिर। आप नहीं दूंगा मैं तेरे को, आप तूने खा लिया बहुत, चम्मच खा ले, चम्मच खा ले। भाई पूछ देख रहा इसकी, आप नहीं दूंगा। हाँ तू दिखा उसे, दिखा दिखा खा रहा हूँ। बैठेगी इतनी शौकीन, इतनी भुक्कड़ है बैठेगी। अरे का बाप रे बाप, बस बच्चे अपनी बस बस मजा आया फेरी। गंदी बच्ची, इतना मीठा थोड़ी खाते हैं। इतना टेस्टी बना हुआ है ना कि मैं तुझे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। खा ले पर आधा मैं खाऊंगा, ज्यादा हो जाएगा का ज्यादा। खा ले इसमें, थोड़ा सा ही है। बाप रे बाप, खा लेगा भाई, नौटंकी इतनी। रसगुल्ला भी ऐसी खाती है, आइसक्रीम भी। ये राजा के साथ गया ना भाई, फूला नहीं समा रहा था, इतना खुश, बस पूछो ही बस। क्योंकि वो उसका नाम है भोलू लाला, और वो उसको सर पे आकर कोई अनजान बंदा ऐसे हाथ रख देगा तो वो एकदम नु करता है, दांत दिखाता है अपने नोकीले वाले। बस फिर बस पूरी कटोरी चाट दी इसने, लेकिन अब वो बिल्कुल एकदम फ्रैंक हो गया, अब वो कुछ नहीं कहता। पता है सब तेरी तारीफ कर रहे थे, क्यों? कि आकाश के साथ सब कंफर्टेबल हो जाते हैं। है, थैंक यू थैंक यू। तो अभी चला गया है आकाश, और अब जाती हूँ मैं खाना पीना बनाती हूँ। फेरी भी बैठी हुई है इधर, और राजा भी खाने का वेट करेगा, आजकल इसे जल्दी भूख लग जाती है, तो फटाफट से बनाती हूँ। और हस्बैंड जी तो रजाई में घुस गए हैं, ये देखो, अरे भाई ये देखो रजाई में घुस गए पहले ही। ठंड हो रही भाई यार, वही तो ठंड बहुत हो गई ना, ठंडा है। तो व्लॉग को यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।